everyone, welcome back to the Pathshala by Supreet Taneja. As I always tell you that I teach on Unacademy Plus and Filhal Unacademy Plus ki ranking mein NTU UGC NET category mein main rank one educator who political science all over India. So I highly recommend you to go and check all the new courses show ki Unacademy par hote hain, whether they are free, whether they are YouTube sessions ya Unacademy Plus ke apne पेड कोर्सेज. अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं, डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. बाकी एक्स्ट्रा जो सेशंस की डिटेल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. विल रिकमेंड यू टू सजेस्ट द चेक द आइडिया जो नीचे मैंने अपलोड करे हैं आप लोगों के लिए. जस्ट चेक इट वंस. एंड माई रेफरल कोड इज सुप्रीत तमीजा. इन केस यू वॉन्ट टू एक्सेस एन अकेडमी प्लस तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं. मूविंग ऑन की आज की वीडियो का आपने टाइटल देख लिया है. टुडे वी आर सॉल्विंग द पीएचडी एंट्रेंस 2020 वाला पेपर. नाउ द 2020 एग्जाम आई वुड से हाईली सजेस्ट फॉर एवरीवन. जिसने भी पॉलिटिकल साइंस का कोई भी एग्जाम अपियर करना है ये सॉल्यूशन जरूर करें. बट मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, आप वीडियो देखने के साथ साथ जरा पॉज करके नीचे आंसर्स टाइप कर लें या अपनी कॉपीज में सॉल्व कर लें पूरा का पूरा पेपर इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग मी सॉल्विंग. तो रादर देन आप सिर्फ ये देखो कि आपको मैं कैसे सॉल्व करके बता रही हूँ, आई सजेस्ट कि आप खुद से सॉल्यूशन करो साथ साथ में. ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाला है. फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू सॉल्व टुडे. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट. ये पेपर हुआ था, सॉरी टू रिमाइंड यू, ये पेपर हुआ था 5 अक्टूबर को एंड ये इवनिंग स्लॉट में हुआ था और ये पॉलिटिकल स्टडीज डिपार्टमेंट का है जेएनयू का पीएचडी एंट्रेंस ऑफ 2020. लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन क्विकली. ये क्वेश्चन आईडी है 54. इसमें क्वेश्चन था कि सार्क और बिम्स्टेक का इसमें से कॉमन मेंबर कौन नहीं है. आप अगर मेरा एमसीक्यू सीरीज करोगे फ्री में, कुछ एमसीक्यू टेस्ट है अकेडमी पे वो फ्री है, उसका एनालिसिस भी कराया मैंने, उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाला था. सो दिस वॉज फ्रॉम द जेएनयू एंट्रेंस. इसका आंसर अफगानिस्तान है. सार्क और बिम्स्टेक का एक कॉमन मेंबर अफगानिस्तान नहीं है. सो मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए आई अटैच द क्लासेस बिलो, यू कैन वॉच देम. नाउ क्वेश्चन टू जो आईडी 24 है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन. नाउ दिस क्वेश्चन मैं अक्सर ओरली क्लास में काफी बारी सॉल्व करवाती हूँ और मैं आप लोगों को ये भी बता चुकी हूँ कि परमानेंट रेवोल्यूशन, सेवन रेवोल्यूशन एंड टोटल रेवोल्यूशन का फर्क पहचान लीजिएगा. टोटल और परमानेंट एक व्यक्ति के नहीं है, ठीक है, और टोटल और सेवन एक व्यक्ति के हैं और उस व्यक्ति का नाम है जेपी नारायण. सो जेपी नारायण ने टोटल एंड सेवन दोनों के बारे में बात करी है, वेयर एज परमानेंट रेवोल्यूशन राम मनोहर लोहिया जी ने करा है. क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन आईडी 8 पर चलते हैं. द नोशन दैट चेंजिंग द टेक्स्ट सराउंडिंग अ टेक्स्ट चेंजेस द टेक्स्ट मीनिंग अंडरलाइज विच पोस्ट मॉडर्न डिस्कर्सिव प्रैक्टिस. ये भी मैंने सेशन अनअकैडमी प्लस पे कंप्लीट कराया हुआ है और मैंने आपको एक बारे में बात समझाई थी कि जब हम किसी और के द्वारा लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम ये नहीं जान सकते उसने वो किस फीलिंग या किस इमोशन में लिखा है. तो जो उसके अंदर का मीनिंग है वो हमें वैसा ही दिखता है जैसा ऑथर दिखाना चाहे. तो किसी की आवाज से कनेक्ट होना और किसी के टेक्स्ट से कनेक्ट होने में बहुत बड़ा फर्क है और इसे डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट का नाम दिया जाता है. ये नीचे ने, डेरिडा ने, सब ने ही पोस्ट मॉडर्निज्म के आइडियाज में प्रैक्टिस करा है. इस क्वेश्चन को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सजेस्ट करूंगी फॉर दी अपकमिंग एनटीए यूजीसी नेट 2021 एग्जाम. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 37. गिव मी वन सेकेंड. यस, टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन आईडी 37, क्वेश्चन नंबर 4. जो थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में वेव शब्द है उसका मतलब क्या है, ये हमने चैप्टर कल कंप्लीट करा था. अगर आप चाहे तो आप ये देख सकते हैं. डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इसको कहते हैं एंड कॉन्सोलिडेशन इसका दूसरा हाफ होता है. जब भी आपकी वेव्स, जब भी आपकी डेमोक्रेसी वर्ल्ड में डेवलप हुई है, एक वो ग्लोबली हुई है ये मैंने कल बताया था और दूसरा ये हमेशा वेव्स में डेवलप हुई है. वेव्स का मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज एक समय पर उस यू नो प्रोसेस से गुजरी है. इट इज नॉट रैंडम, कुछ उठाकर कैसे नहीं हो जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, रामनंदन कमेटी इसमें से किसके साथ जुड़ी हुई है. रामनंदन कमेटी आई एम श्योर सब लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा,
ये क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी ऑप्शन नंबर डी से कनेक्टेड है। ये बात काफी बारी डिस्कस हो चुकी है। इस क्वेश्चन की आईडी है 69। नेक्स्ट क्वेश्चन की आईडी आप लोगों को दिख रही होगी, क्वेश्चन आईडी इसकी है 52। एंड क्वेश्चन आईडी 52 में सवाल पढ़ते हैं, इंडिया अंडर इंदिरा गांधी फुली सपोर्टेड द कॉज ऑफ बांग्लादेशी, इंडियन आर्मी ऑल्सो गिव फुल सपोर्ट टू द मेन बांग्लादेशी गोरिल्ला फोर्स द डैश। आपसे एक्चुअली क्वेश्चन में ट्विस्ट जबरदस्ती लाया गया है, एक्स्ट्रा बनाया गया है क्वेश्चन को। आपसे सीधा ये पूछा गया है कि इंदिरा गांधी ने जो अपनी आर्मी भेजी थी जब लिबरेशन हुआ था बांग्लादेश का पाकिस्तान से, जब सेपरेशन हो रहा था, तो बांग्लादेश की जो गरिल्ला फोर्स थी उसका नाम क्या था। एंड आई एम श्योर सब लोगों को पता है कि उसका नाम मुक्ति वाहिनी था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 87। 87 आईडी का सवाल है, द प्रिंसिपल्स कंसर्निंग द प्रोविजन ऑफ ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड को कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कैसे दिया जाना चाहिए, जो उसके पीछे के आइडियाज हैं, ये किसने रिकमेंड किए थे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंस कमीशन। बहुत सिंपल है, ये सारे ही ऑप्शंस गलत होंगे। फाइनेंस कमीशन के अलावा और कौन ग्रांट इन एड सजेस्ट कर सकता है, नो वन एल्स बट फाइनेंस कमीशन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी इसका रहेगा, गिव मी वन सेकेंड, यस क्वेश्चन आईडी इसका है 30। हु सेड भारत माता इज द बेसिस ऑफ आवर नेशनैलिटी, नॉट जस्ट इंडिया, इफ यू डिलीट द वर्ड माता इंडिया विल बिकम द पीस ऑफ लैंड ओनली। किसने कहा था भारत माता हमारी नेशनैलिटी है, सिर्फ इंडिया का कोई वजूद नहीं है, अगर आप उसमें से माता शब्द निकाल देंगे तो भारत इंडिया केवल एक जमीन का टुकड़ा रह जाएगा। काफी फेमस सा कोट है एंड दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा, डीडी उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आईडी 13। और क्वेश्चन आईडी 13 अगेन इसको मार्क करिएगा एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू थॉमस इक्विनस, मैन अल्टीमेट हैप्पीनेस लाइज इन, इक्विनस का एक क्वेश्चन 2020 के नेट एग्जाम में भी आ चुका है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी समझे, उसी साल जेएनयू के एंट्रेंस में भी थॉमस इक्विनस का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैन अल्टीमेट हैप्पीनेस कंसिस्ट ऑफ कंटेम्पलेटिंग गॉड, इसका आंसर है, मतलब इंसान का जो असली हैप्पीनेस है वो गॉड को रियलाइज करने में छुपा हुआ है। क्वेश्चन आईडी 49 चेक करिएगा, इन आईआर पोस्ट मॉडर्निज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन ये भी मुझसे बहुत बार समझाने को कहा गया है। नाउ जहां तक पोस्ट मॉडर्निज्म की बात है, एक इकलौता ऑप्शन यहाँ देखिएगा, अ रेंज ऑफ चैलेंजेस टू द अजम्पशंस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट का मतलब हर वो चीज जो इस अगले शब्द के बाद हुई हो या उसके आने वाला जो समय है, मॉडर्निज्म के बाद आने वाला समय पोस्ट मॉडर्निज्म कहलाया जाता है। तो जो भी हम मॉडर्निटी की हमारी अवधारणाएं हैं, हमारे मन में जो भी अजम्पशंस क्रिएटेड है, उन सबको हम चैलेंज करते हैं, तब हम पोस्ट मॉडर्निस्ट स्टडी को बुलावा देते हैं, जैसे फूको हैं, जैसे डरीडा हैं। तो इन सब का जो आइडिया है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया में कंसिडर किया जाता है। अगेन क्वेश्चन आईडी 96 देखिएगा, इसमें से क्या कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस का की कंपोनेंट नहीं है, आपको बताना है गवर्नेंस में क्या एक चीज की कॉन्सेप्ट नहीं मानी जा सकती। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिकेबिलिटी, इनके बिना नहीं क्या करोगे। द ओनली सोल्यूशन हियर इज कॉम्युनिकेबिलिटी। अगेन यू कैन मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस के क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। स्पेसिफिकली जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो शायद इस बारे में जानकारी होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इट इज वेरी वेरी कॉमन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू पिक अप क्वेश्चन आईडी 19। इनमें से कौन एक इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। मैकेवेली डिस्कोर्सेस ऑन लेवाई सबको मालूम है, हॉब्स डी काइव सबको मालूम है, एंड प्लेटो स्रीतो सबको मालूम है, मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी एरिस्टोटल इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन।
यहां पर आंसर निकल आएगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी है आपका 34। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज लॉन्गेस्ट रूलिंग डिक्टेटर इन द वर्ल्ड। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि एंट्रेंस में डाले गए हैं। पॉल बिया इसका आंसर है। पॉल बिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रूल करने वाले डिक्टेटर थे। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन आईडी 29 पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर की प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी सत्याग्रह। सफरिंग को इनफाइनाइट कैपेसिटी तक संभालना या उसके लिए काम करना, अहिंसा को फॉलो करना, ट्रूथ को फॉलो करना, इसका मतलब हमारे पास क्लियर कट सॉल्यूशन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आईडी 41 के ऊपर। व्हाई डिड ड्यूअलिज्म चैलेंज द एकेडमिक सुप्रीमेसी ऑफ लिबरल थॉट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रियलिज्म ने लिबरल थॉट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चैलेंज करना क्यों जरूरी समझा, क्यों? नाउ इसके आंसर में आपको कुछ कुछ सुने सुने पॉइंट्स लग रहे होंगे। जैसे लिबरल व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर सीम टू बी डिसक्रेडिटेड बाय राइज ऑफ ब्रूटल रिजीम्स लाइक नाजी जर्मनी। जो वादे एक्चुअली किए गए थे कि एक आइडियल सिचुएशन होगा जहां वॉर मिनिमाइज किया जा सकता है, या जो मेंटेनेंस रखी जा सकती है, जब नाजी जर्मनी जैसे रूल्स आने लगे तो वो सवाल उठने लगा कि कैसी थ्योरीज है जो अपने सामने ही कॉन्ट्रडिक्टरी फेलियर्स शो कर रही है। लीग ऑफ नेशंस का पॉइंट आप भी जानते हो, द बेसिक पॉइंट। लीग ऑफ नेशंस पे जो लोगों का विश्वास था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो टूटता हुआ नजर आया, बिकॉज उसमें वॉर रोकने की जो क्षमता थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर फेल हो गई थी। ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज। नाउ अगर आपको ये दो पॉइंट भी समझ आ गए तो आपको पता है एक क्वेश्चन में आप दो आंसर नहीं चूज कर सकते, तो आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव है। क्वेश्चन आईडी आप देखिए 39। क्वेश्चन आईडी 39 का आप एक बारी देखिएगा कि न्यू सोशल मूवमेंट का इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नाउ दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलीट्स इसका हिस्सा नहीं होते, ये आंसर है, और बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं वो न्यू सोशल मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आईडी 51 के ऊपर। इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी वॉज सब्सटैंशली रिवाइज इन 2017 अंडर द भूटानीज किंग। भारत और भूटान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी कितना आसान है पढ़ना। जिग्मे खेसर के अलावा आप यहाँ क्या पॉइंट आउट कर सकते हो, आपको भी पता है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ जनरल नॉलेज है। तो भूटानीज किंग जिग्मे खेसर। सो बात ये थी कि लाइक जिग्मे तो काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा, बट कंफ्यूजन ये भी था कि जिग्मे द्रगपा का भी नाम दिया गया है, बट करेक्ट आंसर जिग्मे खेसर है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन आईडी 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की टास्क ऑफ लीडरशिप एज आइडेंटिफाइड बाय फिलिप सेल्सनिक। नाउ ये क्वेश्चन काफी लोगों को नहीं समझ आएगा क्योंकि ज्यादा कॉमन नहीं है, बट फिलिप सेल्सनिक का नाम काफी फेमस है जब लीडरशिप की थ्योरी के बारे में बात की जाती है। इंस्टीट्यूशनल मिशन एंड रोल को डिफाइन करना, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का डिफेंस करना, इंस्टीट्यूशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ पर्पस करना, या पर्सनल स्टेटस को इंस्टीट्यूशन के साथ मैच करना। सो इन सभी में आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल रहा है कि लीडरशिप क्या रिजेंबल कर सकती है। लेकिन की टास्क एक लीडर का क्या होता है कि अपने स्टेटस को, अपनी पर्सनालिटी को इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज करना आना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आई विल राइट डाउन इन केस देयर इज अ कंफ्यूजन। ओके क्वेश्चन आईडी आती है 10 नेक्स्ट जो हम पिक करने वाले हैं। क्वेश्चन आईडी 10 में लिखा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज आर्ग्यूड दैट इलेक्टोरल सिस्टम डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम पार्टी सिस्टम के नेचर को आइडेंटिफाई करता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली डिवर्गर है। डिवर्गर और पार्टी सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम हाईलाइटेड नेम है, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। ओके क्वेश्चन आईडी 55 देखिएगा। विच नेशन रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑर्बिट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, सॉरी,
नाविद सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अबव अर्थ। ना ये एक बहुत बेसिक सा करंट अफेयर आया है, कोई प्रीवियस नॉलेज तो इस पे काम नहीं कर सकती, जस्ट योर अवेयरनेस मैटर्स। इसका आंसर ईरान है। नाविद सैटेलाइट ईरान द्वारा अर्थ के ऊपर वाला जो ऑर्बिट है उसमें ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के तौर पर लगाई गई है। क्वेश्चन ID 61 के ऊपर चलते हैं। एक्सक्यूज मी। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया, इंडियन भारत, इंडिया भारत एंड हिंदुस्तान, इंडिया भारत हिंदुस्तान एंड भारत वर्ष। नाउ दिस इज वेरी प्रिडिक्टेबल आंसर, आई थिंक सब लोगों को पता लग गया होगा। इंडिया एंड भारत इज द कलेक्टिव नेम। भारत द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट्स, दोनों एक्सेप्टेबल नेम है, रिटन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन ID 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट गिवन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसमें से क्या बात नहीं बोली है? और अगर आप देखो, फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम, येस। इफ आई फाइंड कॉन्स्टिट्यूशन बींग मिस यूज, आई शेल बी द फर्स्ट टू बर्न इट, येस। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाई डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वेमेन हैव अचीव्ड। पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ब्रिटिश रूल इज द गिफ्ट, बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड इन द मॉडर्न इंडिया। एनी वन हु लाइक डजेंट नो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टिल कैन आंसर दिस ऑन द जेनेसिस ऑफ येस 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 एंड देन नो, या पॉजिटिव 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 एंड द लास्ट स्टेटमेंट बींग अटरली नेगेटिव। क्वेश्चन ID 97 के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? लिमिटेशन क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं है, सॉरी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आर ऑफ हाईली टेक्निकल नेचर, जुडिशियल रेमेडीज क्वाइट एक्सपेंसिव, जुडिशियल प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। यस, ये सारे ही डिसएडवांटेजेस हैं। जुडिशरी कैन बाय इटसेल्फ टेक कॉग्निजेंस ऑफ एक्सेसेस ऑफ द ऑफिशियल्स, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो लिमिटेशन यानी ये एक रोक नहीं हो सकती, उसकी कमी नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट इन इटसेल्फ। मूविंग ऑन, यस, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन ID 35। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंटीग्रेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, डू यू थिंक? यस यस। नेशन स्टेट सीम टू हैव लॉस्ट देयर सोवरेनिटी इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ दिस कैन बी ट्रू, दिस कैन नॉट बी ट्रू, बट अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन के समय पर जो सोवरेनिटी का आइडिया है, वो उसकी जो लाइन्स है वो बहुत थिनिफाई होती जा रही है, बहुत ब्लर होती जा रही है। सो इफ यू आर लूजिंग दैट आइडेंटिटी, दिस इज येस, दिस इज येस, बट दे डोंट हैव अ कनेक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ नेशन स्टेट्स पॉजिटिव, सोवरेनिटी का लूज होना नेगेटिव, देर इज नो रिलेशनशिप सब्जेक्ट आइडिया से। एसर्शन रीजन की दो फ्री क्लासेस हुई हैं अकेडमी पर, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, आई लिंक द क्लासेस एंड चेक दोज क्लासेस। ओके, सो येस्टरडे ओनली आई टॉट कि कैसे अटेम्प्ट करे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इनके सब्जेक्ट एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ओके, क्वेश्चन ID 84। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड इज नॉट कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर? तो बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर कब नहीं करना चाहिए हम लोगों को, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर की क्या कंडीशन, सॉरी नहीं है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट विद द पर्सनल इंटरेस्ट। बहुत ऑब्वियस है, अगर आपको कम्युनिकेशन समझ नहीं आ रहा तो आप ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के खिलाफ लग रहा है तब भी नहीं करोगे, अगर आप मेंटली फिजिकली उसे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो तब भी नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके पर्सनल इंटरेस्ट से वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर को अथॉरिटेटिव बनाने में ये आइडिया गलत रोल प्ले करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, चेस्टर बर्नार्ड का कम्युनिकेशन प्रोसेस। ऑलराइट, आई कम बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द JNU एंट्रेंस सॉल्यूशन वेरी सून, मे बी डे आफ्टर टुमारो, ऑन अ फ्राइडे और सैटरडे आई अपलोड द सेकेंड पार्ट। तब तक आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे जरूर बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर की भी जरूरत हो, आई विल अटैच द क्वेश्चन पेपर ऑन माई टेलीग्राम चैनल। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल और लिंक्स के साथ अटैच किया गया है। गो एंड फॉलो मी देयर सो दैट आपको मटीरियल मिलता रहे। मैंने वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बुक्स भी आपको लिस्ट के फॉर्म पे दिए थे।
सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई होप आप लोगों को ये सुनकर मजा आया होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू एक्चुअली लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो इफ इट हेल्प यू इन एनी केस. थैंक